मैं हूं मुज्तबा। आज हम लॉग सम्स ऑफ प्रोडक्ट, कोशेंट एंड फ्रैक्शनल पावर करेंगे। सवाल पढ़ते हैं। इवेल्युएट यूजिंग लॉग सम्स क्यूब रूट 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 अपॉन 69.8। एक लिहाज से यह सवाल इसलिए अहम है कि पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्यूब रूट है। तो इस सवाल को हल करते हैं। लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट 0.7214 इंटू 20.37 ओवर 69.8 टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग क्यूब रूट 0.7214 इंटू 20.37 ओवर 69.8 और ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज। लिखेंगे लॉग x इक्वल टू, अब चूंकि ये क्यूब रूट पूरी एक्सप्रेशन में है तो ये क्यूब रूट सभी के लिए है, तो हम इसका कॉमन नहीं लिख लेंगे 1/3 और ब्रैकेट बना के फिर हम लॉज ऑफ लॉग सम अप्लाई करेंगे। लॉग 0.7214 प्लस लॉग 20.37 माइनस लॉग 69.8 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल टू 1/3 चूंकि कॉमन है तो फिर कॉमन ही लिखेंगे और अब इस जगह पर हम इन तमाम की लॉग वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले वाले लॉग की वैल्यू, लॉग 0.7214 की वैल्यू जो आएगी वो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी जो बार 1 है। लॉग 72 के कॉलम 1 और मीन डिफरेंस 4 में जब देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8581। प्लस का निशान डालेंगे और लॉग 20.37 की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 है, डेसिमल लगाएंगे। लॉग टेबल में 20 के कॉलम 3 और मीन डिफरेंस 7 में जब देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3090। साइन माइनस का लगाएंगे, 69.8 की जो कैरेक्टरिस्टिक है लॉग में वो 1 है और 69 कॉलम 8 में जब देखेंगे तो 8439 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला हिस्सा 1.3090 और 0.8581 इसको करेंगे हम ऐड। तो हम यहां लिख लेते हैं 1.3090 0.8581 इसको हम कर देंगे सम। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1761.2 मींस 2.1671 और ये हिस्सा जो है 1.8439 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 84 माइनस 1.8439 और इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारे पास 0.3232। ख्याल रहे कि ये बार 1 इसमें के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अभी शामिल नहीं है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई है हमारे पास 0.3232। अब चूंकि हमारे पास लॉग x इक्वल टू 1/3 और ये बार 1 एज इट इज आ जाएगा और बाकी जो वैल्यू है वो है 3232
32 आफ्टर डेसिमल, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि बार वन को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 0.33 आएगा, तो हमें तो ये नहीं करना, हम ये करेंगे कि ये माइनस वन और एड सब्ट्रैक्ट 2 कर देंगे, प्लस 2 प्लस 0.3232/3, तो ये -3/3 आ जाएगा और ये प्लस 2.3232/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बार 1.7744। तो हम यहां पर इस जगह पे लिख लेंगे log x इक्वल टू बार 1.7744। अब हमने चूंकि x की वैल्यू को इवेल्युएट करना है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी log, ये जो बार 1 है ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है और ये वाला हिस्सा जो है वो मेंटेसा का है, तो हम वैल्यू मेंटेसा से निकालेंगे 0.7744। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, हम यहां पर 0.77 के कॉलम 4 में जब देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5943, और मीन डिफरेंस 4 में जब देखेंगे तो वैल्यू होगी 6, तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5949। हम इसको साइंटिफिक लिखेंगे x इक्वल टू 5.949 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10^10। हमारे पास कैरेक्टर से क्या थी, बार 1 मींस -1, तो लिखेंगे x इक्वल टू 0.5949। इस तरह हमने ये x की वैल्यू इवेल्युएट कर ली।